अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां मड़ई के रहने वाले धर्मेंद्र ने ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लिया था। रविवार दोपहर आखिरी बार उसने बड़े भाई जय केवट को कॉल किया। आपको बता दें कि जय से बात की, उसने बताया कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी के मायके जाने से परेशान था, वह डिप्रेशन में आ गया था। पत्नी मायके में रह रही थी, कहने के बाद भी ससुराल आने को तैयार नहीं थी। धर्मेंद्र की मौत के बाद परिवार सदमे में है। 2010 में धर्मेंद्र की शादी रामपुर की रहने वाली रिंकू से तय हुई थी। रिश्ता धर्मेंद्र के पिता ने तय किया था। कुछ दिनों बाद पिता का निधन हो गया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि जहां मैंने शादी तय की है धर्मेंद्र वहीं शादी करे। शादी के कुछ साल बाद तक रिंकू ससुराल में रही। 2015-16 में धर्मेंद्र काम के सिलसिले में हैदराबाद चला गया, वहां प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने लगा। करीब 7 से 8 महीने में गांव आया जाया करता था। 2019 में बेटी की पढ़ाई का हवाला देकर पत्नी मायके रामपुर जाकर रहने लगी। ससुराल वाले कई मर्तबा उसे साथ लेने भी गए, पर वह आने को तैयार नहीं हुई। 2020 में कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो धर्मेंद्र हैदराबाद से जैसे तैसे कभी पैदल तो कभी ट्रैक से जबलपुर पहुंचा। जैसे ही धर्मेंद्र तिलवारा पहुंचा तो उसने पत्नी को फोन भी किया। उसने कह दिया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अपने घर जाओ। यह बात सुनते ही धर्मेंद्र सन्न रह गया, वह अपने घर आ गया। धर्मेंद्र 20 दिन तक सबसे अलग रहा। इसके बाद उसने दोबारा पत्नी से मिलने की कोशिश की, पर वह उससे बात करने को तैयार नहीं थी। धर्मेंद्र के बड़े भाई जय ने बताया कि वह पत्नी के घर पर नहीं आने के कारण टेंशन में था, नहीं डिप्रेशन में आने के कारण उसने घर में रहना तक छोड़ दिया था। यहाँ जिस प्राइवेट कंपनी में काम करता था वहीं रहने लगा था। धर्मेंद्र ने कई मर्तबा अपनी पत्नी रिंकू से बात करना चाही, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब कभी उसने रामपुर स्थित ससुराल जाकर 10 साल के बेटे से मिलने की कोशिश की, रिंकू के घर वालों ने वो भी नहीं होने दिया। घटना वाले दिन रविवार दोपहर को भी वह घर मिलने आया था, इस दौरान भी वह गुमसुम था। धर्मेंद्र की भाभी ने भोजन के लिए भी पूछा, लेकिन वह थोड़ी देर में आने का कहकर चला गया। उसने भी उसे खाने के लिए बोला था, लेकिन उसने वही जवाब दिया। इसके बाद वह स्कूटी लेकर चला गया। वह 3 पुलिया की रेलवे ट्रैक पर आ गया। धर्मेंद्र उर्फ छोटे केवट ने रेलवे ट्रैक से भतीजे अभिषेक को कॉल किया, कहा कि वह ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर रहा है। इतना सुनते ही अभिषेक डर गया, उसने फोन अपने पिता जय केवट को दिया। बड़े भाई ने धर्मेंद्र को समझाया ऐसा कुछ नहीं करना, पर धर्मेंद्र की तरफ से आखिरी चीख आई कि भैया ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। यह धर्मेंद्र की आखिरी चीख थी, उसके बाद आवाज शांत हो गई। मैं अंदर कमरे में था और फिर कनाम से मैंने जैसे ही बात किया हूँ, बस वो कनाम से बस इतनी चिल्लाया है सर कि ट्रेन आ गई और बस इस पार्ट उसमें कनाम से आत्महत्या कर लिया। मरने जाएंगे शायद, अभी सुबह का टाइम है, शाम को हम कभी भी रिकॉर्डिंग ना कर पाए, इसीलिए पहले से रिकॉर्डिंग करे दे रहे हैं। उनके सामने बात कर रहा था बेचारा, काफी दुखी था वो, और इनने का नाम से वो जो उसने बोली कि हम दूसरी शादी अभी जनवरी में करने वाले हैं, वो बेचारा वो काफी डरा सा हो गया था। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें भीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।